अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अमानुल्लाह खान और आप देख रहे हैं हमें यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। तो आज की फिर आपके साथ एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। जिस शिरका का मैं इंटरव्यू आज भाई से लेने जा रहा हूँ, तो उस शिरका का नाम, उस शिरका की पूरी सिस्टम, गाड़ियाँ कौन कौन सी हैं इसके पास, इनकी सैलरी कितनी है वगैरह वगैरह, सब की सब तफसील चाचा से जानने की कोशिश करते हैं। चाचा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है चाचा? मेरा नाम मोहम्मद हुसैन। मोहम्मद हुसैन, आप पाकिस्तान में कहाँ रहते हो? पाकिस्तान ज़िला कसूर एड बलोकी। एड बलोकी। अच्छा चाचा, इस शिरका का नाम क्या है जिसमें आप काम कर रहे हो? ये शिरका शुमाल। शिरका अल शुमाल। हाँ। ये इसका हेड ऑफिस कहाँ पे? जुल्फी। ये बेसिकली जुल्फी का शिरका। हाँ, जुल्फी। और आप क्या चलाती हो उसमें? अब इस ट्रक के पीछे क्या टैंकर है? टैंकर है। टैंकर है। हाँ। आप डीजल लोड करते हो या पेट्रोल? पेट्रोल। डीजल पेट्रोल। सैलरी आपकी कितनी है? सैलरी इस वक्त 1200 रुपये। आपको इसमें कितना टाइम हो गया? मेरे को 15 साल हो गए। माशाल्लाह, 15 साल आपको हो गए हैं। अच्छा चाचा, इस शिरका के पास कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं इसके अलावा, टैंकर के अलावा? सिर्फ टैंकर ही नहीं, और कोई गाड़ी नहीं है, सिर्फ टैंकर है इसके पास। और आप, आपका रूट क्या है, कहाँ कहाँ चलते हो आप? यम्बो, अजबेल, रियाज, कसीम, अलजोफ, दुबा। सही, यानी कि कम से कम 5-6 जगह पे आप चलते रहते हो। अच्छा चाचा, रिहायश का क्या निज़ाम है? कंपनी आपने रूम जहाँ पे रेंट पे ले हुआ है या कंपनी ने आपको देती है? रूम जड़ा है वो असी अपना रेंट पे लिया। अच्छा, यानी कि 5-6 दोस्त मिलकर? बस 5-6 आदमी रल मिल के ले लेते हैं। खाना वाना भी कम रूम पे बनाते हो? रूम पे बनाते हैं खाना। अच्छा चाचा, छुट्टी आप कितने टाइम के बाद जाते हो, या कंपनी आपको कितने टाइम के बाद कहती है, कितने टाइम बाद आप जा सकते हो? 2 साल बाद। 2 साल के बाद कितने टाइम के लिए भेजती है? 6 महीने। 6 महीने के लिए 2 साल के बाद भेजती है। तो फिर टिकट आपको रिटर्न देती है? आने जाने का टिकट उनका है। टिकट आने जाने का उनका है, और साथ में जिसे हक हकूक कहते हैं वो भी कुछ देती है? 2 महीने की तनख्वाह देते हैं। 2 महीने की सैलरी साथ में बोनस के तौर पर देते हैं। अच्छा, गाड़ी कौन सी है जो आप चलाते हैं? जफाली। ये जफाली गाड़ी है? ये जर्मन की है? नहीं, इतों की जद्दे की तैयार हुई। यानी असल में जर्मन की? हाँ, जर्मन है। अच्छा, तो इसका एसी वगैरह चालू होता है? एसी सब कुछ, गड्डी मियाँ मियाँ। हीटर भी चलता है? सब कुछ चलता है। यानी कि सर्दी गर्मी को कोई टेंशन नहीं? कोई मसला मसाल नहीं, माशाल्लाह। अच्छा चाचा, 1200 आपकी सैलरी है महीने में, आप ट्रिप कितने के लगा रहते हैं? कभी 4, कभी 5, कभी 3, कभी 2। यानी कि मौसम पर डिपेंड करता है? हाँ, सीजन पे। सीजन पे। अच्छा, फिर वो ट्रिप के पैसे और सैलरी मिलाकर कुल माशाल्लाह से कितने एक बन जाते हैं महीने के? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 2500 रुपया 2600 रियाल बन जाता है। 2500, यानी कि पाकिस्तान का कम से कम 1 लाख रुपया तक आराम से आप बचा लेते हैं इंशाल्लाह। माशाल्लाह। चाचा, इसके अगर इसमें कोई बंदा आना चाहता है तो उसको वो क्या करे, वीज़ा वो कहाँ से ले, एजेंट के पास होता है, कफील खुद ड्राइवरों को देता है या एजेंसियों पर भेजता है? ये एजेंसियों के तो ड्राइवर ही भेजते हैं, बाकी ड्राइवरों को वीज़े दे देंगे, बाकी एजेंसियों के ड्राइवर आप खुद भेज देंगे। यानी कि इसका आसान तरीका इसमें आना, अगर आना चाहता है तो उसका ये है कि यहाँ पर इस कंपनी में अल शुमाल में जो ड्राइवर हो उसका, वो उसका कोई रिश्तेदार उससे रब्ता करे भी मुझे इस कंपनी में आना है, तो वो उसको वीज़ा लेकर दे सकता है। साडा मदीर है, उन्होंने रब्ता कर लेना, वो वीज़े का काम सही दसदा। नाजरीन, इसमें अगर आप कोई भी दोस्त, अगर हर वीडियो में आप पूछते हो कि मुझे इसमें आना है, मुझे इसमें आना है, तो आप वीडियो को ना तसल्ली से पहले देखा करें। हर वीडियो में मैं बताता रहता हूँ, और जिस ड्राइवर जिसमें काम कर रहे होते हैं वो तसल्ली से बताते हैं, अगर आप इसमें आना चाहते हो तो उसका आसान तरीका ये होता है कि आप का कोई जानने वाला, कोई गांव वाला, कोई रिश्तेदार, आपका रिलेटिव उस शिरका में आपका हो, तो आप उस कंपनी में उसको कॉल करें, पाकिस्तान से, इंडिया, बांग्लादेश, कहाँ से भी इवन आप हैं, आप उसको कॉल लगाएं कि भाई मैं इस कंपनी में आप आना चाहता हूँ जिसमें आप हैं, तो वो आप, वो अपने कफील से बात करेगा और वो आपको वीज़ा लेकर देगा। काफ़ी कंपनियों का भी ये सिस्टम है, ज़्यादातर भी यहाँ पे ये सिस्टम है। अभी वो निज़ाम बहुत कम है जो पहले जाते थे, कंपनियों के वीज़े एजेंसियों पर जाते थे, फिर बाकायदा डेलीगेशन की मौजूदगी में टेस्ट इंटरव्यू होते थे, अभी वो काम बहुत ही कम हो गया। अभी ये अपने ट्रस्ट वाला, अपने एतबार वाला बंदा मंगाते हैं, अपने एतबार वाले बंदे को देते हैं जो कंपनी में पुराना काम कर रहा होता है, वो उसको वीज़ा दे देते हैं, फिर वो अपने रिश्तेदार बुला लेता है, उसको भी अपने वो ट्रस्ट वाला बंदा चाहिए था, उसको पता होता है कि ये पाकिस्तान में या कहीं पर ये ड्राइवर है और गाड़ी चला सकता है फलां फलां। अच्छा चाचा, अल्लाह ना करे रास्ते में टायर वगैरह भी तो ब्रस्ट हो जाता है, गर्मियों में ज़्यादा ब्रस्ट होते हैं टायर, अगर आपको टायर गाड़ी का ब्रस्ट हो जाता है तो उसका आपको कंपनी का कोई मैकेनिक पीछे आता है आपके पीछे, या आप खुद बदली कर लेते हो? खुद बदली करते हैं हम। यानी कि स्पेयर आपके पास होता है? कुछ होता है स्पेयर। और रास्ते में खाना वाना वो होटल से खाते हैं? हाँ, होटल से। होटल वाले खाना अच्छा देते हैं? जबरदस्त। अच्छा, गुजारा हो जाता है? गुजारा हो जाता है इंशाल्लाह, माशाल्लाह।
ओके नाजरीन, उम्मीद है आपको पूरी बात की समझ आ गई होगी। फिर भी आप कमेंट करें जिस बात की आपको समझ नहीं आई, या आप इस कंपनी से रिलेटेड जब कोई भी आप सवाल करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप सवाल करें। हत्तुल अमकान हमारी कोशिश होगी कि आपको पूरा पूरा गाइड किया जा सके। क्यों अगर कोई वीज़ा कल आपको ये पाकिस्तान में इसका देता है, एजेंसी वाला आपसे कोई रब्ता करता है कि इसकी वीज़े हैं, तो वो आपको को चूना ना लगा सके। तो हमारा काम है आप तक रियलिटी पहुंचाना कि शरका में बेसिकली तनख्वाह है कितनी और वहाँ पे वो कितनी बता रहे होते हैं। तो उस आपको चूना लगने से बचने के लिए हम ये आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो वीडियोज़ हमारी पसंद आए तो वीडियो को एक बार लाइक आपने ज़रूर करना है। चैनल पर नहीं हुए तो चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जिंदाबाद।